हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अध्याय 10 जैव रसायन अपना चल रहा था, जिसमें आज का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था न्यूक्लिकम, उसी का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे अपन संरचना के बारे में, यहाँ पर अध्ययन करेंगे इसकी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कि अंदर की संरचना कैसी होती है। देखो, पिछली क्लास में बात की थी अपन ने शर्करा और कार्बनिक क्षारक मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या मिल जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, और वही क्या होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। बस क्लियर है। अब देखिए, अपन बात करें किसकी, सबसे पहले लेते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड, इसकी बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, बेटा ध्यान देना इसमें अंतर है दोनों में, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो बनता है वो किससे बनता है, शर्करा और कार्बनिक क्षारक से। अब देखो, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और कार्बनिक क्षारक, अब देखिए इस न्यूक्लियोसाइड में जो शर्करा होती है उस शर्करा के कार्बन संख्या एक से क्या जुड़ता है आपका सार, क्या जुड़ता है आपका सार, शर्करा के कार्बन संख्या एक से क्या जुड़ता है आपका क्षारक। अब क्षारक का क्या जुड़ेगा, अगर अपने पास में पिरिमिडीन है, क्या है बेटा पिरिमिडीन, तो इसका नाइट्रोजन नंबर 9, मतलब क्रमांक में जो 9 नंबर पे जो नाइट्रोजन आता है वो, और अगर प्यूरीन है तो उसमें प्यूरीन है उसमें नाइट्रोजन नंबर, यहाँ पे देखो यहाँ पर नाइट्रोजन नंबर 1 और यहाँ पर क्या आएगा आपका नाइट्रोजन नंबर 9। बात क्लियर है, नाइट्रोजन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 9, पिरिमिडीन में तो होगा नाइट्रोजन नंबर 1 और प्यूरीन में होगा आपका नाइट्रोजन नंबर 9। बात क्लियर है। तो शर्करा के कार्बन संख्या 1 से क्षारक पिरिमिडीन का नाइट्रोजन नंबर 1 और प्यूरीन का नाइट्रोजन नंबर 9, मतलब जो नंबरिंग होती है आपकी, इस तरह की आपकी वले होती है, उस वले में जो नाइट्रोजन का नंबर 1 और नाइट्रोजन का नंबर 9 उससे क्या बनाता है, ये बंध बनाता है, जिससे क्या बनता है अपने पास में न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनता है। बात क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं मैं, शर्करा का कार्बन संख्या 1 से क्षारक पिरिमिडीन में जो संरचना है उसका नाइट्रोजन की संख्या 1 आ रही है क्रमांक में, और प्यूरीन है उसमें नाइट्रोजन का नंबर आ रहा है 9, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब मैंने यहां पर देखो उदाहरण की बात की, इसकी बात की उदाहरण की, सरकार ली अपने कौन सी, राइबोस, कौन सरकार ली अपने, राइबोस, राइट, और अपन ने सारा लिया कौन सा, एडेनिन, कौन सा लिया अपन ने, एडेनिन। तो यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एडिनोसिन। क्या बनेगा बेटा, एडिनोसिन, जो क्या होगा आपका न्यूक्लियोसाइड। शर्करा क्या लिया अपन ने, राइबोस, और सारा क्या लिया अपन ने, एडेनिन। तो अपने पास में जो न्यूक्लियोसाइड बना वो क्या बना, एडिनोसिन। क्या बना बेटा, वो एडिनोसिन। बात क्लियर है, इसके बाद तो क्या आपकी ये न्यूक्लियोसाइड क्लियर। अब बात करते हैं अपन इसकी न्यूक्लियोटाइड, इसकी बात करते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। देखिए, न्यूक्लियोटाइड निर्माण किससे हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल से, किससे हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल से। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, तो
तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। अब न्यूक्लियोटाइड में अपने पास में क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड और साथ में क्या होगा, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO। क्लियर। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें अपने पास में क्या है, इसको अपन ऐसे ना करके देखो सर्कल, इसकी बात कर लिया अपन ने, सर्कल आगे क्या जुड़ गया अपने पास में, सर्कल जुड़ गया। अब इससे क्या जुड़ेगा अपने पास में, फॉस्फोरिक अम्ल का अम्ल जुड़ेगा, फॉस्फोरिक अम्ल का ये बंध बनेगा अपने पास, क्या बनेगा ये वाला बंध। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस शर्करा के कार्बन संख्या या तो तीन या कार्बन संख्या पांच, ध्यान दीजिए बेटा, न्यूक्लियोसाइड जो है आपका वो शर्करा और सार से मिलकर बना है, और इसी न्यूक्लियोसाइड से क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक अम्ल। तो जो शर्करा है उस शर्करा के कार्बन संख्या तीन या कार्बन संख्या पांच से क्या जुड़ता है आपका, फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है, क्या जुड़ता है आपका, फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है। बात क्लियर है। तो ये जो फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है ये आपका यहां पर फॉस्फेट बंध बना देता है, राइट, कार्बन संख्या तीन से या कार्बन संख्या पांच। क्लियर। इसीलिए आपने देखा होगा तो डीएनए की जो संरचना होती है उस डीएनए की संरचना में एक तरफ लिखा होता है थ्री डेज, एक तरफ लिखा होता है फाइव डेज। वही होता है कि यदि शर्करा की कार्बन संख्या तीन से जुड़ा हुआ है तो थ्री डेज समूह बन गया आपका, और पांच जुड़ा हुआ है तो फाइव डेज समूह बन गया। आगे बात समझ में, तो इस तरह से बनने वाले जो पूरा का पूरा अणु है उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लो शर्करा अपने पास में कौन सी है बेटा, राइबोस है, कौन सी है, राइबोस है, तो वहां कार्बन संख्या किससे, दो से बंद बनाता है, किससे बनाता है, दो से बंद बनाता है, ध्यान रखना। अगर शर्करा अपने पास राइबोस है तो वहां कार्बन संख्या दो से कौन बंद बनाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल बंद बनाएगा। क्लियर हो गया मामला। अब आगे चलते हैं अपन, बनने वाले न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें बन जाती है आपको, देखो थ्री डेज पी, फाइव डेज ओ एच, या फाइव डेज पी थ्री डेज ओ एच। ध्यान दीजिए बेटा, शर्करा का थ्री डेज सिरा, फिर क्या गया अपने पास में, फॉस्फोरिक अम्ल, फिर आपको क्या आ गया, फाइव डेज सिरा, शर्करा का फाइव डेज सिरा, फिर क्या आ गया आपका, फॉस्फोरिक अम्ल, फिर क्या गया आपका, थ्री डेज सिरा। इस तरह से दो तरह के आपके क्या बन जाते हैं, ये श्रृंखलाएं बन जाती है, दो तरह क्या बन जाती है आपकी, श्रृंखलाएं बन जाती है, जो आगे चल के क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करें। बात क्लियर है, तो दिक्कत है यहां तक, आगे चलें। अब आगे अपन बात करें इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसकी बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसकी बात हो रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इसकी बात होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या होंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए इसमें अपने पास बंध बना रहा हूं मैं, ये अपने पास में शर्करा है, शर्करा से क्या जुड़ा हुआ है, क्षार, या क्षार बोल दो, क्या बना ये न्यूक्लियोसाइड, यहां पर क्या है आपका फॉस्फेट अणु, क्या है आपका फॉस्फेट अणु, सपोज ये आपका थ्री डेज सिरा, ठीक है, और इधर भी आपकी क्या है शर्करा है, इससे क्या जुड़ा हुआ है आपका सारक जुड़ा हुआ, क्लियर, और ये वाला कौन सा सिरा हो गया आपका फाइव डेज।
अगर इधर 5 डैश है तो उधर क्या हो जाएगा 3 डैश, का मतलब इधर तीसरा कार्बन आगे जुड़ेगा, इधर पांचवा कार्बन आगे जुड़ेगा, इधर पांच तो यहाँ तीन है और यहाँ तीन है तो यहाँ पर पांचवा कार्बन है। बीच में क्या आ रहा है आपका फॉस्फेट, क्या आ रहा है बेटा फॉस्फेट। तो देखो इधर ये वाला एक क्या है न्यूक्लियोटाइड, क्या है न्यूक्लियोटाइड, यहां पे एक और बना लीजिए अपन फॉस्फेट और ये आपकी शर्करा और ये सारक और ये हो गया अपने पास में फाइव। अब देखिए बेटा इसमें ये पूरा है क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरा क्या है आपका है न्यूक्लियोटाइड। देखो आप गौर से शर्करा सारक फॉस्फेट, शर्करा सारक फॉस्फेट, क्लियर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे बनते फॉस्फेट अणु से, इससे फॉस्फेट अणु से कौन सा बंध बनाते हैं आप फॉस्फो डाई एस्टर बंध बनाते हैं, कौन सा बनाता है फॉस्फो डाई एस्टर बंध बनाता है, फॉस्फो डाई एस्टर बंध बनाता है, क्लियर। देखो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध होता है आपका फॉस्फो डाई एस्टर बंध होता है, बात क्लियर है। एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध होता है आपका फॉस्फो डाई एस्टर बंध बनाता है, और यही संरचना क्या होती है आपकी न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना होती है, क्या होती है न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना, क्या है ये न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। क्वेश्चन दे रखा है आपको नोट्स में कि न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना क्या होती है, शर्करा सारक फॉस्फेट, शर्करा सारक फॉस्फेट, शर्करा सारक फॉस्फेट चलता रहेगा ये कंप्लीट, और दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य फॉस्फेट अणु जो बंध बनाता है वो बंध कौन सा होता है फॉस्फोडाइस्टर बंध, ये कंप्लीट क्या होगा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें अपन ने अब तक डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो देख लीजिए पांच पॉइंट है उनको अपन डिस्कस करेंगे और डीएनए और आरएनए को क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट अंतर करेंगे। तो देखिए बेटा न्यूक्लिक अम्ल का लास्ट टॉपिक है डीएनए और आरएनए में अंतर, ये कहां पाया जाता है केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में, ये कहां पाया जाता है कोशिका दृढ़ में, बात क्लियर है। डीएनए कहां पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में, आरएनए कहां पाया जाता है कोशिका दृढ़ में, फिर आपकी शर्करा कौन सी होती है डीऑक्सी राइबोस, इसकी बात करेंगे डीऑक्सी राइबोस, और यहां कौन सी होगी आपकी राइबोस शर्करा, कौन सी होगी राइबोस शर्करा, क्लियर। सारक की बात करें अपन प्यूरिन, अब समझ गए होंगे आप, और दूसरा कौन सा है पिरिमिडिन, प्यूरिन कौन कौन सा एडिनिन और गुआनिन, पिरिमिडिन कौन सा साइटोसिन और थायमिन, सारक प्यूरिन एडिनिन गुआनिन पिरिमिडिन कौन सा साइटोसिन और थायमिन, यहां पे प्यूरिन कौन सा है वही दोनों में सेम है एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन कौन सा है साइटोसिन थायमिन, इधर क्या जाता है आपका म्यूरोसिन, अंदर हुआ नहीं हुआ, पहला कहां पाया जाता है फिर शर्करा की बात आती है फिर सारक की बात आती है। अब बात करते हैं ये कौन सा होता है आपका डबल हेलिक्स, कौन सा होता है आपका डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स कौन सी होती है डबल हेलिक्स, और ये कौन सी होती है बेटा सिंगल हेलिक्स, एक सूत्री कौन सी होती है एक सूत्री, इसको बोलेंगे अपन द्विकुंडली, क्या बोलेंगे इसको अपन
द्विपुंजक और ये क्या है एक सूत्री सिंगल हेलिक्स। मतलब बात करूं मैं आपको, आपने देखा होगा बायोलॉजी वाली क्लास में इस तरह का होता है डीएनए थ्री डैश और फाइव डैश, और सिंगल जो होता है आपका वो होता है आपका आरएनए, ये होता है आपका आरएनए। इसको बोला जाता है द्विकुंडलित, इसको बोला जाता है एक कुंडलित एक सूत्री, ठीक है। लास्ट अंतर है आपका, ये करता है आपका कौन सा अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, क्लियर। और ये करता है किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में, मतलब इसमें करता है प्रोटीन संश्लेषण में, केंद्रक में पाया जाता है कोशिका द्रव्य डीऑक्सीराइबोस राइबोस सारक एडेनिन गुआनिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन साइटोसिन यूरेसिल, द्विकुंडली संरचना एक सूत्री संरचना, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण और प्रोटीन संश्लेषण, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।